तो अभी भैया आप लोग देख सकते हो कि ग्रैंडपा एकदम अपना गंजा मटकाते मटकाते सामने की साइड में जा रहा है और उसके हाथ में शॉटगन भी है और अभी साइड में चुपचाप से निकल लेने का चाचा। हेलो व्हाट्स अप यार, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज हम लोग ग्रैनी का सेकंड सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाले हैं और पता करेंगे कि आखिर ट्रेन एस्केप वाले गेट के पीछे का राज क्या है। वेल गाइस, ग्रैनी का फर्स्ट वाला सीक्रेट हमने लास्ट वाली वीडियो में रिवील कर दिया था जिसे देख के हमें बहुत ज्यादा शॉक लगा था। तो अगर आपने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। बाकी हाँ, अभी टाइम है ग्रैनी का सेकंड सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करने का। ये कोई छोटा मोटा सीक्रेट नहीं है, ये ग्रैनी का सबसे बड़े सीक्रेट में से एक है। तो फर्स्ट वाला सीक्रेट क्या है आप लोगों को पता चल ही गया होगा अगर आपने वाली वीडियो देखी होगी, बट सेकंड सीक्रेट क्या है कि हमें इसके गेट के पीछे का राज पता कर रहा है कि आखिर उस काले अंधेरे में है क्या। हम लोग जब इस गेम से एस्केप करते हैं ट्रेन के थ्रू, तो हम लोग क्या सच में बच के निकल पाते हैं, क्या हम लोग अपने घर पे पहुंच पाते हैं, या फिर हमारे साथ कुछ और ही होता है। तो ये सब कुछ हम आज पता करने वाले हैं, बट उससे पहले आप लोग जाके फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी ये नुबड़ा बीज आवाज करके ग्रैनी और ग्रैंडपा को बुलाने वाला है, तो इससे पहले कि ग्रैंडपा यहाँ पे आए मैं फटाफट से भाग के छिप जाता हूँ ताकि हमारी गुद्दी न टूटे। A few moments later. All right guys, तो अभी टाइम आ चुका है ग्रैनी एंड ग्रैंडपा का सीक्रेट रिवील करने का। बट सीक्रेट रिवील करने के लिए हमें कुछ आइटम्स की जरूरत पड़ेगी जो कि मैंने कार की डिक्की में रख दिया है, बट वहाँ तक पहुँचना एक सबसे बड़ा टास्क है क्योंकि अगर रास्ते में ग्रैनी या ग्रैंडपा में से कोई भी दिख गया ना तो भाई मेरी गुद्दी चटका देगा। वेल अभी तो रास्ता एकदम साफ है, अभी काम करता हूँ, चुपचाप से यहाँ से निकलता हूँ। बट उससे पहले ग्रैंडपा ने देख लिया यार, अभी चुपचाप से मुझे छुपना पड़ेगा। और यार ये ग्रैंडपा कहाँ से टपक गया यार, पता नहीं तुम्हारे कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ अभी। अबे भाई साहब, वो तो नीचे चेक करने आ रहा है। ओके, अभी वो नीचे नहीं आ रहा है, अभी वहीं पर खड़ा होकर चेक कर रहा है, तो उसको जाने देते हैं एक बारी। एंड अबे यार, उसने फिर से देख लिया उस नूबड़े ने। भाई अभी तो मुझे थोड़ी देर तक छुपना पड़ेगा और उसके बाद जब वो चला जाएगा तभी मैं रिस्क लूंगा, क्योंकि अगर ग्रैंडपा को ये पता चल गया ना कि हम लोग उसके सीक्रेट पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भाई साहब वो तो एकदम खतरनाक वाले मोड में आ जाएंगे। तो अभी गाइज वो आप लोग देख सकते हो कि ग्रैंडपा गंजा मटकाते मटकाते नीचे चेक कर चुका है और अभी ऊपर जा रहा है, और शायद से यहाँ पे डंडा लेके ग्रैनी भी खड़ी है। तो अभी एक काम करते हैं भाई, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला, इनको चुपचाप से यहाँ से जाने देते हैं एंड उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। आप लोग देख सकते हो कि ये देखो उसका डंडा यहाँ से दिख रहा है भाई, और वो ग्रैनी नीचे चेक करने जा रही है और ग्रैंडपा चेक करके ऊपर जा चुका है। तो एक काम करते हैं, चुपचाप से यहाँ से सरकते हैं। और ये क्या है भाई, ये तो टट्टी है। एक बारी मैं कार तक पहुंच जाऊँ ना तो उसके बाद तो मेरे हाथ में थोड़ी बहुत तो पावर आ जाएगी। तो अभी रास्ता साफ नहीं है भाई, क्योंकि सामने ही ग्रैंडपा जा रहा है यार, और उसके हाथ में शॉटगन होती है, वो दूर से ही बजा देगा। तो एक काम करते हैं, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, चुपचाप से देखते हैं कि ग्रैंडपा फिर जा कहाँ रहा है। अगर वो अबे भाई साहब, उसने देख लिया, अबे तेरी तो भाई साहब बच गया भाई, क्या ही किस्मत है भाई, उसके चील जैसी नजरें हैं क्या यार, उसने इतनी दूर से कैसे देख लिया मुझे। अभी ये रास्ता खुला है, चुपचाप से एक काम करते हैं इधर से निकल के जाते हैं, और अभी एक बारी बस मैं कार तक पहुंच जाऊं एंड उसके बाद तो भाई गेम मेरे हाथ में। तो ग्रैंड पर टकला मटकाते हुए जा रहा है। काम करते सबसे पहले मैं इसका टकला फोड़ूंगा, मेरा तो एकदम मुझे तो बहुत ज्यादा खुंदा कर रही, मैं तो उसका टकला सबसे पहले फोड़ूंगा। अभी यहाँ पे मैंने दो आइटम रख रखे हैं, एक है इलेक्ट्रिक स्विच, इसका काम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना तो गेट ही नहीं ओपन होगा, और दूसरा है वेपन की। तो वेपन की को यहाँ से उठाते हैं क्योंकि वेपन की का यूज तो आप लोग जानते होंगे नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, वेपन की को ले जाने से पहले मैं यहाँ पे स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टोन भी हमारे पास होना चाहिए क्योंकि बिना स्टोन के स्लिंग शॉट किसी भी काम का नहीं है। एकदम रास्ता साफ, एकदम मस्त खाली रास्ता। और बे भाई यार, यार इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा है भाई, यार ये सामने से आ गई। मेरे पास एक ट्रिक है, मैं अभी इस ट्रिक का यूज करूंगा और ग्रैनी और ग्रैंडपा को उल्लू बनाऊंगा। और एक काम करते हैं, चुपचाप से बैठते भाई इससे पहले कि ग्रैनी आ जाए। और ये देखो गाइस, इस तरह से हम लोग लिफ्ट का यूज कर सकते हैं। और भाई क्या ही बचा हूँ, अगर ग्रैंडपा थोड़ा पीछे होता ना तो भाई वो चटका देता मेरे को। और यहाँ पे हमने लगा दी अपना ये वेपन की, और ये मिल चुका है हमें अपना स्लिंग शॉट। अभी भाई जिसको भिड़ना है आ जाओ मेरे से भिड़ दो, क्योंकि अभी मैं पावरफुल हो चुका हूँ और मैं भिड़ने के बिल्कुल मूड में हूँ। अच्छा, तो अभी मैं काम करता हूँ, इधर ग्रैनी थी तो पहले ग्रैनी की गुद्दी चटकाते, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो उनके पास है ही नहीं। हम लोग उसकी गुद्दी चटकाएंगे, बट उसके लिए ग्रैनी आसपास दिखनी चाहिए। भाई ग्रैनी तो दिखी नहीं रही, और ये देखो ग्रैनी उधर क्या कर रही है, इधर आ, इधर इधर देख, इधर तेरे पीछे खड़ा हूँ, देख इस बुढ़िया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये ले हम मस्त इधर खड़े होकर चक्कर खा, मैं तेरे गंजू ग्रैंडपा को निपटा के आता हूँ लगे हाथ। और शायद से वो अभी नीचे होगा, पता नहीं यार वो कहाँ चला गया यार, एकदम उल्टी बुद्धि का आदमी है। लेकिन ये देखो सामने ही है, और इससे पहले कि वो शॉटगन से मारे मैंने उसकी मतलब उसको मार दिया है, उसकी क्या मार दी
भाई ये क्या गलत सलत बोल रहा हूँ, अभी मैं इसके गंजी टाट पे मरता हूँ। ले बुढ़े भाई साहब, मैंने उसको दो मिनट के लिए निपटा दिया है। और यहाँ पे आसपास शॉटगन केमो होती तो मैं ग्रैनी को भी लग गया निपटा देता, और यहाँ पे कभी कभी शॉटगन केमो रहती है बट यहाँ पे नहीं इस बारी। तो अभी रास्ता साफ है, अभी मैं चुपचाप से ये शॉटगन के एमो उठाता हूँ और मैंने रिलोड भी कर लिया है। और अभी ग्रैनी आ जा भाई, तेरा ही तो इंतजार था। तो मैंने इसको भी निपटा दिया और शॉटगन को इस साइड पर रख देते हैं। और अभी हम लोग अपना इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा वो अपना इलेक्ट्रिक स्विच, तो वो हमारे गाड़ी के अंदर ही रखा हुआ है। तो फटाफट से उसको निकालते हैं और ये ले भाई। ऑलराइट गाइस, तो मैं सीलिंग शॉट लेकर नीचे आ चुका हूँ, बट यहाँ पर रोबोट है और वैसे रोबोट हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो अभी टाइम आ चुका है ग्रैनी का सीक्रेट रिवील करने का, तो एक काम करता हूँ उसको लगाता हूँ। बट इसे लगाने के बाद भी गेट ओपन नहीं होगा, क्योंकि गेट ओपन करने के लिए हमें अपनी जादू शक्तियों का यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट वाली वीडियो में भी किया था। तो चलो फटाफट से इस साइड पर चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि गेट अभी भी बंद है और अभी भी हम लोग उस पार नहीं जा पा रहे, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपनी जादू शक्तियों का यूज करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग जा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपनी जादू शक्तियों का यूज कर लिया है और अभी टाइम है उस पार जाने का। तो 3, 2 and 1 गाइस हम लोग इस साइड पे आ चुके हैं। और गाइस यार, अभी हम लोग उस साइड पे जाके देखेंगे कि आखिर उस अंधेरे के अंदर है क्या। ऑलराइट गाइस, तो अभी टाइम आ चुका है ग्रैनी और ग्रैंडपा के इस काले सीक्रेट का पर्दाफाश करने का। तो चलो चुपचाप से चलते हैं उस साइड पे और देखते हैं कि आखिरकार उस साइड पे है क्या। भाई यहाँ पे तो काफी ज्यादा अंधेरा है, और एक काम करते पीछे मुड़ के देखते हैं, तो पीछे तो कुछ नहीं है, पीछे तो अपना नॉर्मल है। बट आगे मुझे यहाँ पे देखो ये पटरियां दिख रही है, इधर इन्हीं को फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा यार, एकदम इतना अंधेरा भाई। यहाँ पे अगर हमारे पास टॉर्च वॉर्च होती ना तो मजा आ जाता। तो गाइस अभी तो मैं काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ, एक काम करते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं। भाई साहब, भाई मैं कितना ज्यादा आगे आ चुका हूँ बट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा यार, इतना अंधेरा है। एक काम करते हैं मैं पटरियों को फॉलो करते करते आगे बढ़ता हूँ, यार पटरियां भी नहीं दिख रही अंधेरे में। भाई साहब यार इतना अंधेरा, और गाइस यार मैं कितनी ज्यादा पीछे आ चुका हूँ। एक काम करता हूँ मैं पीछे देख के ही चलता हूँ, मतलब क्योंकि सामने तो दिख नहीं रहा कुछ क्योंकि इतना अंधेरा है। तो एक काम करता हूँ मैं पीछे देख के ही चलता हूँ। और ये देखो गाइस, अबे भाई ये कहाँ गिर गया मैं। गाइस यार लास्ट टाइम की जैसा ही मैं फिर से नीचे गिर गया। गाइस यार देखा आप लोगों ने, भाई यार लास्ट टाइम भी मैं इसी तरह से गिरा था। इसका मतलब कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ने यहाँ पर भी अपना जाल बना के रखा है, मतलब कि हम लोग यहाँ से कभी भी एस्केप ही नहीं कर सकते। अगर हम लोग मेन डोर से जाएंगे तो वहां पर भी गिर के वापस से घर के अंदर कैद हो जाएंगे, और यहाँ से अगर हम लोग एस्केप करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी गिरेंगे और फिर वापस से हम लोग कैद हो जाएंगे। मतलब कि भाई हम लोग ग्रैनी एंड ग्रैंडपा के घर से कभी भी एस्केप नहीं कर सकते। तो गाइस यार फाइनली मैंने ग्रैनी और ग्रैंडपा के ये वाला सीक्रेट भी रिवील कर दिया है। तो अभी टाइम है वीडियो को लाइक करने का और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो जाके फटाफट से दोनों काम कर दो। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी चैनल पे बहुत ही ज्यादा तगड़े तगड़े हॉरर वीडियोस आने वाले हैं, तो उनको मिस मत करना, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और ये अपना लगा पड़ा है ग्रैनी और ग्रैंडपा को बुलाने के लिए, बट ग्रैनी और ग्रैंडपा भी क्या ही कर सकते हैं यार, क्योंकि हमने उनका सीक्रेट रिवील कर दिया है। तो एक काम करते हैं थोड़ी देर रुकते हैं और ग्रैनी ग्रैंडपा से हालचाल पूछ लेते हैं, उसके बाद ही यहां से चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ग्रैनी आ चुकी है, और बता ग्रैनी क्या हालचाल। वेल गाइस अभी मैं निकलता हूं यहां से। तो गाइस अभी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। खत्म।